शायद पिछले वीडियो तक ये हु इज हु में हमने कर लिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन एडिशन टू एजुकेशन विच अदर मिनिस्ट्री डज धर्मेंद्र प्रसाद प्रधान करंटली होल्ड, ये हो चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है क्योंकि एजुकेशन के साथ है, रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज हु में 22nd, विच पार्टी डिड धर्मेंद्र प्रधान ज्वाइन एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये हु इज हु में कम इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जनता पार्टी, ओके ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हु इज द करंट एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया जो ये याद कैसे रखना है, ये रख सकते हैं आप, ऐसे रख लो, इंडिया का बॉस जयदीप सिंह है ना, तो इतना याद रखना है, बॉस जो है इंडिया का होता है, बस जहां बॉस दिखा वो टाइम्स ऑफ इंडिया एक ही न्यूज़पेपर है, वहां पर जड़ दिया राइट आंसर। नेक्स्ट है हु होल्ड द पोजीशन ऑफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन पंजाब, इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आपने पहले पोस्ट को पढ़ना है, तकनीकी शिक्षा है ना, ये तकनीकी, अच्छा इसके ऑप्शन ये ऊपर थोड़ा जाना पड़ेगा, यहाँ पर ये हो गया, हाँ क्योंकि सारे नाम पढ़ने पड़ेंगे ना, तो भगवंत मान जी तो नहीं है, है ना, मेरे ख्याल में ये ठीक है, गुरमीत सिंह नीत ये पहले थे, अब नहीं है, जो मिनिस्टर थे एजुकेशन मिनिस्टर, तो अब श्रीमती सीमा शर्मा है, देखो SSS आ रहा है, SSS को प्रयोग होता है तो कहीं कर ले, जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जो है पंजाब डिपार्टमेंट टेक्निकल एजुकेशन पे, टेक्निकल एजुकेशन सेक्रेटरी टेक्निकल STSSS, ऐसे याद रखो एस के साथ, जो सेक्रेटरी पूछा जा सकता है क्योंकि पिछली बार इन्हीं के पास हो गया था आपका केस, जब बीएड एंटर 3000 बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाई थी, ओपन वो कहते थे कर दो, है ना, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने इनके पास जो कोर्ट में केस किया, तो कोर्ट ने कहा पहले सेक्रेटरी से बात करो, तो वो श्रीमती सीमा शर्मा थी, तो इन्होंने फिर मेरे ख्याल में डिले हो गया था, वो 3000 बच्चों का एक साल खराब हो गया था, तो ये आगे हैं। पंजाब में तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक निर्देशक पूछे हैं, देखो संस्था में वहां था सेक्रेटरी, हमने कैसे लर्न किया, सेक्रेटरी जहां था वहां एस श्रीमती सीमा शर्मा SS चढ़ रहे हैं, ये इजी हो गया, यहां पर डायरेक्टर है, है ना, तो राइट आंसर गुरमीत सिंह हेयर नहीं है, बलजीत कौर नहीं है, श्रीमती सीमा जैन ए ये भी निकाल दिए गए, अब दविंदर जी है, लेकिन हमने नाम याद करना है, डी फॉर डायरेक्टर, डी फॉर दविंदर पाल, ऐसे याद रखो, SSS है, डी फॉर दविंदर पाल है, पूरा नाम पढ़ना है श्री दविंदर पाल सिंह खरबंदा, खरबंदा। Who is the current minister of higher education in Punjab? क्वेश्चन ये मतलब मोस्ट ज्यादा से इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली जब सभी सोए होते हैं तो यही क्वेश्चन डल जाता है तो बैंस साहब ही हैं ये, ये नाम पक्का याद कर लो, आप कोई भी अब वो देखोगे ना हमारी, जैसे मिड डे मील की भी है, कोई भी है, ये पंजाब गवर्नमेंट की एजुकेशन की साइट खोलोगे, यहाँ भगत मान और बैंस साहब की, हरजोत सिंह बैंस, बहुत तो वैसे इन्होंने कहते हैं कि बड़ा जो जिन जो जॉब वाले हैं टीचर, उन्होंने बताया था हरजोत सिंह बैंस है ना, तो इसका नाम हायर से याद रखना है, लेकिन ये बार बार आएगा स्कूल में भी, यही आंसर आएगा, तो बैंस शब्द आप कॉमन कर लीजिए, सिंह बैंस, कई बार ये भी बदल देते हैं, बैंस और डालते हरजोत, हरी की जोत उतरी है, ऐसे कुछ याद रख लो, जो हमारे मिनिस्टर हैं हर की जोत है। पंजाब का वर्तमान तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है, अब देखिए ये एजुकेशन मिनिस्टर, ये टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर, वहां था टेक्निकल एजुकेशन सेक्रेटरी SSSS है ना, तो उसका टेक्निकल एजुकेशन का वो डायरेक्टर डी था, वो देवेंद्र है ना, पूरा नाम याद हो गया, खरबंदा, हाँ देवेंद्र खरबंदा, अभी पढ़ा ना टेक्निकल एजुकेशन ऑफ पंजाब, तो बैंस साहब ही हैं, ठीक है, इसमें दो राय नहीं होना, दैट इज वाई ये नाम, कोई भी हिंट मेमोरी ट्रिक नहीं देने की जरूरत, क्योंकि ये तो वैसे पता ही होगा, मेरी वीडियो को शायद फायदा ना हो आपको,
पंजाब के वर्तमान स्कूल शिक्षा मंत्री 28वां क्वेश्चन, पंजाब में उच्च शिक्षा एवं भाषा विभाग पंजाब का प्रधान सचिव कौन है, प्रिंसिपल, ये अंडरलाइन करो, पहले पूछा गया है ना, करंट मिनिस्टर ऑफ, यार ये तो हो गया ना, करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये तो हो गया है, बैंस साहब है करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, है ना, टेक्निकल मिनिस्टर वो भी वही है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर बैंस साहब है, तो हु इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ठीक है, नेट से जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैंने वो आपके सामने रखी है, काफ़ी दिमाग मतलब कई बातें बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है, और लेटेस्ट क्या है, अगर एक आध कुछ गलत निकलता है उसके लिए सॉरी, पर इस पर मेहनत बहुत आएगी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन एंड लैंग्वेजेस, अब और चीज को अंडरलाइन करो, यहाँ पर है एक तो प्रिंसिपल है एक लैंग्वेज है, तो नाम है कृष्ण कुमार जी, पहले सेक्रेटरी थे, नहीं अब नहीं है, बोलो ये भी नहीं है, गुरकीरत नहीं, ये तलवार साहब है, जसप्रीत तलवार, है ना, अगर तलवार याद रखना है तो प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो तो तलवार लेके ऊपर खड़ा हो जाता है हमारे, है ना, तो इंडिया का बॉस है ना, वो याद रहा था क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया, ये याद रखना था, यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हायर एजुकेशन एंड लैंग्वेजेस, है ना, तो उनकी लैंग्वेज भी ऐसे तलवार जैसी है, उनकी लैंग्वेज भी ऐसे तलवार जैसी है, ऐसे कह सकते हैं, हायर एजुकेशन और लैंग्वेज में तो तलवार पक्की खड़ी है, कुछ भी ऐसे, है ना, जसप्रीत, नेक्स्ट है हु इज द करंट एडिटर इन चीफ ऑफ द हिंदू, ये क्वेश्चन बीएड में नॉर्मली पीछे पूछे जाते थे, देखिए इस बार पूछे जाते हैं कि नहीं, एन राम है, मुकंद बड़ा डिफिकल्ट है, पर नंबंत नंबांत है ना, नहीं वो तो है, पद्मानंबम सुरेश नंबम, राइट आंसर ये है नंबम, आप हम कैसे करेंगे इसको, इनको याद, हिंदू का है ना, हिंदू का बम बम बोले नाथ बात है, लेकिन ये नाथ नहीं है, तो हिंदू एच सुरेश, उनके एच एच ही आता है, जिनके नाम के पीछे एच एच आता है, सुरेश नाम बाथ, ये भी एच आ गया, और इनका ये भी एच आ गया, वहाँ एस 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 डोल डोल लिया था, अगर हिंदू आता है तो इसको जो भी पीछे दो एच एच आते हैं वो ढूंढो, देखिए इनके पीछे एच नहीं है, इनके पीछे एच नहीं है, इनके पीछे एच नहीं है, इनके भी पीछे एच नहीं है, इनके भी पीछे, अब जो ऑप्शन बदल के आ गए, सभी के पीछे एच तो नहीं होगा, थोड़ा सा या मेमोरी में रहेगा ना, यार नाम बाथ, नाम बाथ है ना, ये कुछ ऐसे बना सकते हैं, बात कर रहे हैं, चलो देखिए क्या बनाते हैं, आप बनाओ, हिंदुस्तान टाइम्स का वर्तमान संपादक कौन है, करंट हिंदुस्तान, वो टाइम्स ऑफ इंडिया था, इंडिया का बॉस था, इंडिया का बॉस था, ये हिंदुस्तान टाइम्स है, चीफ एडिटर इन चीफ पूछा जाता है, रंगनाथन जी हैं, सु ओ आर से कुछ है नहीं है, आप सुकुमार रंगनाथन है, सुकुमार रंगनाथन, वो कहाँ से एसोसिएट होगा, टाइम्स, टाइम्स याद रखना है, टाइम्स 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 ऑफ इंडिया अगर आया या ऐसे लिखा इंडिया, ओके तो दिखने ना कि इंडिया का बॉस है, ठीक है, जसप्रीत को कौन से बॉस थे, तो अगर टाइम्स हिंदुस्तान टाइम्स आता है ना, टाइम बाद में आता है, तो उसका एस उठा के एक वो इंडिया का बॉस बन गया, इसके एस से है हमने सुकुमार, सुकुमार टाइम्स ऑफ इंडिया का रंगनाथन, इन्होंने रंगदेव बसंती चोला कर दिया, नेक्स्ट है हु इज द करंट एडिटर इन चीफ इंडियन एक्सप्रेस, अब ये नाम टाइम्स दो बार आ चुका है, अब ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ये कौन सा हिंदुस्तान टाइम्स का वर्तमान, ये रहा इंडियन एक्सप्रेस, इसमें एक्सप्रेस सबसे ऑड है, इंडिया को नहीं उठाना, एक्सप्रेस को वहां उठाया था, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया का बॉस, और यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स उसका एस उठाया था सुकुमार, तो यहाँ पर उठाएंगे एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का आर उठा लो, राजकुमार, एक्सप्रेस जो राजकुमार है एक्सप्रेस ट्रेन में बैठता है, ऐसे बहुत है, वो भी चौधरी बनके, चौधरी है चौधरी है, जो राजकुमार चौधरी बनके
राजकमल है भाई, राजकुमार नहीं है, राजकमल चौधरी जी एक्सप्रेस में चौधरी बन के बैठते हैं, जहाँ एक्सप्रेस में कौन चौधरी बन के बैठा हुआ है, ऐसे याद हो गया, ऐसे याद हो गया उनके नाम के मीनिंग से। हु इज द एडिटर इन चीफ द ट्रिब्यून ग्रुप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रिब्यून का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वैसे। तो ये है राजेश रामाचंद्रन, अब कोई टी नहीं है, आर ही है, उधर उनका आर एक्सप्रेस का था, एक्सप्रेस। देखो एक्सप्रेस जो है ना, एक्सप्रेस आपको इंडियन ट्रेन याद आ जानी चाहिए, वॉर एक्सप्रेस आती है, तो एक बंदा जो बहुत चौधरी बन के राजकुमार बन के बैठा है वो हो गया फ्लग से। तो ट्रिब्यून इंपॉर्टेंट है, इनका आर जो निकाल लीजिए, राजेश रामाचंद्रन है ना, ट्रिब्यून रामाचंद्रन। अगर ट्रिब्यून का राम याद रखना है, रामचंद्रन ऐसे भी रख सकते हैं, रामचंद्र है, ये हो सकता है। तो ये आपके मेरे ख्याल में हो गए, और क्वेश्चन नहीं है, इस बुक काफी हो गया। अच्छा, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, अगर करना है यहाँ तक छोड़ भी सकते हैं, अब आपको कम इम्पोर्टेंट मिलेंगे, छोड़ सकते हो। तो राइट आंसर है मिसेस एन क्लैसेल्बी, काउंसिल ऑफ, ये काउंसिल का क और इनका क मिल गया, क वैसे इससे इसकी साउंड मिल गई ना, ध्वनि मिल गई, उससे बनाया है मैंने, जरूरी नहीं है। आगे इसरो का जो है एस सोमनाथ याद रखना है, तो ये भी मैच होगी, इससे सोमनाथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, ये पूछा जाता है यार, ये पूछा जाता है, सोमनाथ जी। ओके, बाकी तो फिर एस से सोमनाथ जी, अगर ऐसे टर्म को याद रखो, अभी तक सोशल साइंस की कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं आई, एजेंसी नहीं आई है ना, सोशल साइंस को बजाज से, जे के बजाज से जोड़ सकते हो, तो बजाज जे ए जे, ए जे दो बार आता है, ए जे है ना, ऐसे ही सोशल और साइंस जो दो वाले सब्जेक्ट हैं वो बजाज साहब उसके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे हो सकता है। तो ये थे, बाकी काफ़ी हैं ये जो मुझे लगे, बाकी मिनिस्ट्री हो सकती है, वो भी टाइम नहीं लगेगा, सॉरी एंड थैंक यू।